अपन नवंबर भी आ गया और मार्च में एग्जाम भी है ट्वेल्थ का, और मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। मैंने तो सोचा था कि 11 ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ के ट्वेल्थ के साथ ही नीट को क्रैक कर दूंगा, बट ये सपना लगता है कि अब भूल जाना पड़ेगा, लगता नहीं है कि नीट पाएगा। तो गाइस इफ यू आर इन दिस प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता सकता हूँ एक ऐसे बैच के बारे में जहाँ से आप अभी भी अपने इस प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हो और अपने जर्नी को एक स्मूथ वे में ले जा सकते हो, जिसके कारण आप चाहें तो यू कैन क्रैक नीट इवन विद बोर्ड। इन बोर्ड के साथ आप नीट को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस बैचेस को सीरियसली फॉलो करें तो, क्योंकि इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस फैकल्टी उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इनके जो सपोर्टिव टीम है आपके हर एक डॉट को अच्छे से ध्यान देकर 24 आवर चेक करते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डॉट नहीं रहने देंगे, जिसकी वजह से आप यू कैन क्रैक नीट विद योर बोर्ड इवन। तो इन डिटेल हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से बैचेज है, कितना प्राइसिंग होने वाला है और कौन कौन से वहाँ पे फैकल्टी होने वाले हैं, ईयर एक्सपीरियंस के साथ ईच एंड एवरीथिंग वी कवर। आई नो कि आप अपने टीचर के बारे में कौन से वहाँ पे फैकल्टी होने वाले हैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट वेट हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे। तो पहले अगर हम बात करें तो इस ये जो बैच है आपको 20 नवंबर से स्टार्ट होना है और 30 अप्रैल तक आपके सिलेबस को इनका ऐसा शेड्यूल बनाया गया कि तब तक कवर कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि माइट बी कि थोड़ा सा डिले 10 to 5 days होगा, बाकी कवर कर दिया जाएगा। ये आपको डीपी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आफ्टर क्लास, ताकि आपको क्लास में जो पढ़ाया गया वो कितना समझ में आया और आपने उस कंसेप्ट को किस तरीके से लिया है। इसके साथ आप 12th बोर्ड के जो CBSE का जो न्यू सिलेबस है उस सिलेबस को कवर किया जाएगा, और आपको कंप्लीट PCMB और इंग्लिश को इस बैच में कंप्लीट कवर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बेसिकली वेस्ट होगा जो न्यू NCERT का करिकुलम है उस पर। तो इन वीक आपको 6 दिन क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किया जाएगा। बस डोंट मेक प्रोक्रास्टिनेशन, यानी जिसमें आप बैकलॉग में मत चले जाना, अगर आप इसी पेस में चलते जाओगे तो बिलीव मी यू कैन क्रैक नीट इवन विद दिस बोर्ड सीरीज। और बोर्ड को प्रिपेयर कराने के लिए ये आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, ताकि आप वहाँ पे भी एक्सेल कर सको अपने प्रिपरेशन को। कैन यू बिलीव कि अभी 52% ऑफ चल रहा है इस बैच के साथ, और इसका प्राइसिंग था 2500, बाकी राइट नाउ अभी इसका प्राइसिंग सिर्फ 1200 रुपीज़। तो सिर्फ 52% ऑफ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो राइट नाउ, तो एक आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि फैकल्टी कौन है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है उनका। तो यहाँ पे जो फैकल्टी है, जूलॉजी की बात करें तो नैन्सी मैम है, इनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। सेकंड में बोटनी की बात करें तो अंचल शर्मा मैम है, और इनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। इंग्लिश की फैकल्टी की बात करें तो ये आपको निहारिका महंगी मैम है, इनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैथ के लिए दीक्षा शर्मा मैम है, और इनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनिक की बात करें तो सौर्या ग्रोबर मैम है, इनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। और फिजिकल में हर्ष सोनी मैम है, और इनको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो अंशिका गुप्ता मैम है, इनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ये सारे आपको फैकल्टी है जो कि आपके बोर्ड बूस्टर सीरीज में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और दे इवन फेमस भी हैं इन्हें। सो बिलीव करना अपने टीचर पे ब्लाइंडली और पेस में चलते जाना, कोई भी प्रोस्टिकास्टिनेशन मत करना, और अपने दिए गए टाइम पे जो होमवर्क मिले आप उसे कंप्लीट करना गाइज। तो यू विल बी 100% श्योर कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन नीट इवन। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिंग वीडियो होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। थैंक यू।